आज मैं आपको सिखा रही किसी की रिक्वेस्ट पर दही धुआं चिकन बनाना। चीजें आपको दिखा देते हैं, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ आज ब्रेस्ट के पीसेस, चिकन के बोनलेस है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, बेबी लैम में बना लें, विद बोन विदाउट बोन आपकी चॉइस है। मुझसे जो रिक्वेस्ट की गई थी दैट वाज फॉर बोनलेस, तो ये ब्रेस्ट के चिकन है, वॉश्ड है और तकरीबन आप इसे 2 इंच के बड़े बड़े टुकड़ों में आप काट लीजिएगा, ये कटवा लें जिस तरह आपसे आपको सही लगता है। बीच में आपको चाहिए होगा इसके लिए दही यानी कि थिक ग्रीक योगर्ट, प्याज यानी कि अनियंस चॉप कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा आपको चाहिए होगा, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही आपको चाहिए होगा अनियन रिंग्स, इसके लिए प्याज को आप मोटे मोटे जो है रिंग्स में काट लेंगे। पुदीना आप देख रहे हैं यहाँ पे यानी कि मिंट, मैं फ्रोजन करती हूँ आपको पहले बता चुकी हुई हूँ। गरम मसाला आपको चाहिए दैट्स ऑल स्पाइसेस, चंद हरी मिर्चें आपको चाहिएंगी दैट्स ग्रीन चिलीज, और आपको एक आधे कोल की जरूरत होगी, इंस्टेंट कोल आपको मिल जाते हैं जो कि बारबेक्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी मर्जी, मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना है। चिकन के जो पीसेज हैं इसमें आपने ऐड करना है दही, ज्यादा नहीं ऐड कर रहे आप देख रहे हैं, साथ साथ नोट करते जाएं। इनफैक्ट जब आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के चेक करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि काफी जितनी भी दही है उसको किस प्रोपोर्शन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, दही जो है आप चिकन को सिर्फ लगा करके गिव इट अबाउट 10 से 15 मिनट इसको दे दें और इसको जो है एक साइड पर कवर कर आप रख कर देख लें। तेल जो है मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ परफेक्टली गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे चॉप अनियन है, प्याज चला गया, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन कलर देना है। इसे आपने इसको इतना सुनहरा कर लेना, इससे ज़्यादा काला नहीं करेंगे। इसमें ऐड किया जीरा आपने यानी कि क्यूमिन सीड्स, तेल गर्म है, ये साथ ही बीच में जाती है अपना कलर भी चेंज कर लेगा। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो आपका दही में आपने डाला था चिकन, फ्लेम आपने हाई पर रखी और अब इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन का खुद का पानी जो सॉरी कलर जो है चेंज हो जाना चाहिए। तो फ्लेम हाई पर रखें, उसका चिकन का कलर चेंज होने तक इसको ज़रा कुक कर लें। अगर अभी तक फ्लेम हाई पर है, ये देखने चिकन का कलर हो चुका है परफेक्टली चेंज। इसके बाद यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपके मसाले हैं, दैट गोज नमक बीच में यानी कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी। ये डालने के बाद आप इसको करते हैं पहले मिक्स, और मिक्स करने के बाद यहीं पर हम ऐड करेंगे जितनी हमें दही चाहिए, और ये मिक्सअप हो गया परफेक्टली। इसमें अब हम ऐड करने लगे जो हमारी दही है, ये चली गई दही। दही डालने के बाद इसे आप मिक्स करेंगे और आपने इसको लो टू मीडियम पर रखकर तब तक कुक करना है जब तक कि चिकन के अंदर में जितना भी पानी है खुद का और दही का खुश्क हो जाएगा एंड ऑयल सरफेस पे आ जाना चाहिए। कवर कर दें, लो टू मीडियम पे रखकर आप इसे कुक करेंगे। मैं कुक कर रही हूँ बोनलेस, मेरा इंशाल्लाह जल्दी कुक हो जाएगा। अगर आप बना रहे हैं हड्डियों के साथ तो जाहिर सी बात है हड्डियों में से जो चिकन के साथ जो पानी निकलता है वो आपने अच्छी तरह उसको भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन मुझे ज़रा कम लगेगा यहाँ पर। तो चलिए इसे पका लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका आगे आपने देख लें पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। ये वो पानी था जो चिकन में और दही का पानी था, खुश्क हो गया। यहाँ पे मैंने चूल्हा कर लिया हाई पर और इसे अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि तमाम पानी जो भी कोई बीच में होगा वो खुश्क हो जाना चाहिए। कोयला आप रख देंगे गर्म होने के लिए यानी कि उसको हमने अच्छी तरह रेड हॉट कर लेना है। देखिए इसको डिश आउट करने के 2 तरीके होते हैं, एक एज इट इज़ है यानी कि इसी चिकन के ऊपर आप अपने अनियंस डालेंगे, बकाया की जो दही है, थोड़ा सा हरा वो मिंट है और कोयले का धुआं देखेंगे और आप इसको डिश आउट कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं डिश आउट करती हूँ इज़ इंटायरली डिफरेंट। आप ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 375 फ़ारेनहाइट पर और हम इसे उसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बेक करते हैं, तकरीबन 15 मिनट के लिए। देख लें पानी खुश्क हो चुका है, कोयला हो रहा है गर्म, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने जो है डिश आउट कैसा करना है। लेकिन बंद करने से पहले यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा इसमें मिंट ऐड करूँगी, ज़रा अच्छी सी इसमें एक खुशबू आ जाती है। ऐड कर लें, इसको मिक्स कर लें और नीचे से आप चूल्हा कर देते हैं बंद और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने इसको किसी के से मज़ीद और पकाना है। इनको मैंने कर लिया है प्री हीट, आप इसको डालते हैं एक पायरेक्स की डिश में जो कि ओवन प्रूफ होनी चाहिए, और इस पर अब जो हमारी बकाया की दही है, देखिए आपको सारी मेजरमेंट इंशाल्लाह फुल मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, रिटन रेसिपी में आप जब देखेंगे। तो
इसके ऊपर आप डालते हैं दही थोड़ी सी। ये बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप दावत में इसको यूं डिश आउट करते हैं। ये कर लेने के बाद इस पर आप डालते हैं जो आपके अनियन के रिंग्स हैं। कोयला जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका हुआ है पहले जो है, क्योंकि ये है कि जब आप कोयले का धुआं देंगे तो ज़रा कम से कम आपके जो अनियंस हैं इसमें भी उसका जायका आ जाता है और ये बड़ा मज़ेदार लगता है। जब इसको आप डिश आउट करते हैं तो यहाँ पे अनियंस को आप डाल लेंगे। अनियन चले गए, इसके ऊपर हम डालेंगे जो कि है हमारा मिंट। मैं इस्तेमाल करती हूँ फ्रोजन, आपको पता है मैं बता चुकी हुई हूँ। आई वॉश इट एंड आई फ्रीज इट, ज़रा ये लाइफ ईजी होती है। वैसे भी मौसम आजकल चेंज हो रहा है, आपको पता है चीज़ें बाहर ख़राब हो जाती हैं और चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये चला गया चंद, इस पर हम डालेंगे हरी मिर्चें लाइक सो। और अब हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे जो हमारा पास थोड़ा सा फॉइल है और जो आपका कोल है बीच में ऐड कर लें। और इस पर आप डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल, आप देखेंगे धुआं उठ चला है। ये देखिए दूसरे डिश से कवर करेंगे और तब तक इसे आपने इसको सिर्फ तब तक कवर करके रखना है जब तक कि तमाम धुआं सेटल हो जाना चाहिए, वो हो चुका है परफेक्टली। इसे रिमूव कर लेते हैं। ये देखें इस वक्त जो है इसकी ज़बरदस्ती खुशबू तमाम आपके अनियंस और चिकन में जा चुकी है। इसे हम कर लेते हैं रिमूव और अब आप इसको डालेंगे अवन में, प्री हीटेड अवन। 15 मिनट पहले आप उसको गर्म कर लेते हैं, टेम्परेचर आपको बता चुकी हूँ। आप इसको बेक करेंगे फॉर अबाउट 15 से 20 मिनट और फिर आपको दिखाएंगे इसको डिश आउट के साथ। इसको 20 मिनट तक आपने अच्छी तरह जो बेक किया, तमाम मसाले सब कुछ A1 हो चुका है, यहाँ पर सॉफ्टनेस आ चुकी है अनियन में, कोल का भी जायका आ गया हुआ है। गर्मा गर्म नान पराठों के साथ जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसे डिश आउट कीजिए, सर्व करें। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।